कौन डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप ठीक हो, खैर से होंगे। आज का ये सीनियर एडिटर का जो पेपर हुआ है, उसका जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैं कैंडिडेट के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं उसका रहा बचा हो जाए, ये मेरा नंबर है। सबसे पहले हम एमसीक्यूज को जो है डिफाइन करेंगे कि किस टाइप के होते हैं। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के होते हैं, 80 प्रोफेशनल के होते हैं। तो आज जो सीनियर एडिटर का एग्ज़ाम हुआ है, तो इंग्लिश में जो 20 एमसीक्यूज आए हैं, उसमें 10 जो हैं वो यूजेजेस पे थे, उसमें ज़्यादातर एडजेक्टिव थी। 5 जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स के थे, कामा सेमी कोलन एटीसी उसमें था। और जो 5 एमसीक्यूज थे वो प्रेपोजिशन के थे, मतलब उसमें अबाउट, ऑन, एट, इन कहाँ पे आता है, इससे रिलेवेंट थे। और जो भी आज हुआ है या कल मैथमेटिक्स लेक्चर वालों का पेपर हुआ था, तो उससे भी मेरा डिस्कशन हुई है। तो इसमें जो इंग्लिश आ रही है, तो सारे ग्रामर का क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें कोई वोकैबुलरी, इडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कोई चीज़ नहीं आ रही। तो मैं सिंपली आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कोशिश करके आप जो ग्रामर का पोर्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करें इंग्लिश में। और उसके अलावा अब हम आते हैं सीनियर एडिटर के हवाले से कि जो प्रोफेशनल 80 क्वेश्चंस थे, तो उसमें किया जाए। उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो पीपीआर के थे, और लोगों बहुत लोग थे जो पीपीआर को नहीं पढ़ रहे थे। ये एक ऑफिशियली आपका जो है एक्ट है, पीपीआर पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी आर्डिनेंस है, जो आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा गूगल से, बेहतरीन है, इसको देख लें, जिसकी भी टेस्ट है अभी आने वाली। उसके अलावा डेप्रिसिएशन के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उसके अलावा अकाउंटिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, पेंशन के 2 क्वेश्चन आए थे ओनली। उसके बाद सीनियर एडिटर की जो बैच 1 है, उसकी जो आज 10 बजे जो टेस्ट हुई है एजी डिपार्टमेंट में, उसके लिए कुछ क्वेश्चन मुझे रिसीव हुए हैं। तो मैं सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि आपको जो है आसानी हो जाए। तो पहला क्वेश्चन आया था बैलेंस शीट की इक्वेशन बताएं, उसके अलावा दूसरा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिलेटेड थे, न्यूमेरिकल्स आए थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के एमसीक्यूज थे। उसके अलावा असेट की डेफिनेशन आई थी, ऑडिट की डेफिनेशन आई थी, बिड सिक्योरिटी क्या होती है ये भी आया था। उसके अलावा परफॉर्मेंस 5 गारंटीड आई थी, 5 टाइप्स जो हैं कॉम्पिटिटिव बिडिंग के हैं, ये भी एमसीक्यूज आया था। ओवर 2 मिलियन, अगर बिड ओवर 2 मिलियन है तो कितने न्यूज़पेपर में आना चाहिए, ये भी आया था। ये बिल्कुल मैंने देखा है, पीपीआरए का रूल्स उसमें मौजूद भी है। ये सारे एमसीक्यूज जो है ना वो पीपीआरए का है, वो सारे उसमें मौजूद हैं। बिड मस्ट बी सबमिटेड इन डैश पैकेज, ये भी है। बिड मस्ट बी ओपन पब्लिकली, ये भी बेहतरीन एमसीक्यूज है। व्हिच प्रोसीजर फाइनेंशियल बिड इज सीन आफ्टर टेक्निकल रिलेवेंट कॉस्ट डेफिनेशन, संक कॉस्ट डेफिनेशन, ये आए थे। उसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर ओवरहेड एक्सप्लेनेशन के हवाले से भी था। रीट्रेंड अर्निंग का सिनोनिम्स आया था, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेशन क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की डेफिनेशन आई थी, एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस थे, रीपेइंग ऑफ बैंक लोन, डिक्रीज असेट्स एंड लायबिलिटीज, इसके भी क्वेश्चंस थे दोस्तों। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 जो था वो ओनर इक्विटी डेफिनेशन आई थी। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 में जो है इन्वेंट्री किसको कहते हैं, ये भी आया था। ड्यूरिंग द राइजिंग प्राइस व्हिच इन्वेंट्री मेथड प्रोवाइड्स लोएस्ट प्रॉफिट लॉस आर फीफो बिड विद डैश कॉस्ट इज सक्सेसफुल, ये भी आया था। मतलब बिड के देखें, बिड वाले जो क्वेश्चन है ना, ये सारे पीपीआर के हैं, पीपीआर के ज़बरदस्त और बहुत ही सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं आज के पेपर में। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, इसके अलावा कॉस्ट अपॉइंटमेंट के हवाले से क्वेश्चन थे। उसके अलावा आप ये देखते होंगे स्क्रीन के सामने जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आज ही आए हैं। उसके फर्स्ट स्टेप क्या होता है अकाउंटिंग में, ये भी आया। ये पार्ट टाइम स्किल्स में भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं वहाँ पर भी अवेलेबल है। फैमिली पेंशन कैलकुलेशन कैसे होती है, तो आज मुझे ये 30 क्वेश्चन रिसीव हुए थे, और इंग्लिश का कुछ पता चला था कि ये आ रहा है। तो मैं सोचा जिसे भी कैंडिडेट की अभी टेस्ट होने वाली है, तो उसको फ़ायदा पहुँचे, तो ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लें। मेरा मकसद यही था कि आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। और पार्क एम स्क्यूज से भी कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, उसको भी आप देख लें, उस पर भी अकाउंटिंग के, फिनांस के एम स्क्यूज अवेलेबल हैं, ऑडिटिंग के भी अवेलेबल हैं, ठीक है, पेंशन वाले से, तो सारे वहाँ से भी आप देख लें। और इसके अलावा पार्क एम स्क्यूज के अलावा वैन सीरीज के बुक से भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और पी पी आर का तो ऑफिशियली आप देख लें, तो आपका अच्छा हो जाएगा पेपर। और बेस्ट ऑफ लक, एंड मुझे भी दुआओं में याद रखना। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।